और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री शिवेश राम के लिए जोर से ताली बजाओ। जरा यहां जाओ शिवेश। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं माता मुंडेश्वरी, माता ताराचंडी, बाबा गुप्तेश्वरनाथ, बाबा हरसु ब्रह्मधाम, अरे रहने दो ना भाई, इसी के लिए आए हैं, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब सासाराम की भूमि पर आया हूं तब न केवल सासाराम और बिहार, पूरे भारत के दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत की। महान स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह जी और निशान सिंह जी और बद्री प्रसाद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। सासाराम वालों, ये हमारे शिवेश जी को टेंट नहीं मिला, आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है, इसलिए मैं मन से आपकी क्षमा मांगकर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतनी चिल चिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में शिवेश राम के लिए आप इकट्ठा हुए हो। परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, मगर मैं कह देता हूं 400 कमल में एक कमल हमारे भाई शिवेश राम का खिलने वाला है। भाइयों बहनों, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं, आप लोगों को परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, परिणाम जानना है भाई। देखियो, 5 चरण तक का मेरे पास रिपोर्ट है, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बना चुके हैं। सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया, 6ठे और 7वें ने 400 पार करना है, 400 पार करना है। भाइयों बहनों, ये भूमि जो है बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, जिन्होंने पिछड़े, दलित, शोषित, आदिवासी, महिलाएं, गांव, किसान, इसके विकास की नींव रखी। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, ये लालू जी बोल बोल करते हैं सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, मगर कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न देने का सिफारिश इन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरो ठाकुर जी को भारत रत्न देकर सभी पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, एक गमंडिया जो गठबंधन बना है, लालू जी अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसी पार्टी की शरण में गए हैं जो पिछड़ा विरोधी पार्टी, पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का विरोध करने का काम किया। सबसे पहले काका साहेब कालेकर कमीशन, इसकी रिपोर्ट को दबाकर पिछड़ों के रिजर्वेशन का रोड़ा बने। फिर जब मंडल कमीशन आया तो उसको भी रोकने का काम
कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई तब राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी ने इसका डटकर विरोध किया, डटकर विरोध किया। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ये लालू जी, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये माइनॉरिटी का आरक्षण कहां से आएगा? किसका काट कर दोगे लालू जी? मैं बताता हूं, कर्नाटक, हैदराबाद और बंगाल में मुस्लिम आरक्षण दिया, वहां एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। मैं आज सासाराम वालों, यहां स्पष्ट कर जाता हूं, अरे भैया कैमूर 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 हो गया तो बोलो भारत माता की। कैमूर वालों बरोबर है? पक्का? कैमूर वालों, मैं कह कर जाता हूं, जब तक हम देश की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को हम नहीं हटाने देंगे, नहीं हटाने। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, ये दलित समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातें करी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, दलित कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार का बजट 41,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई, जहां जहां बाबा साहब के लंबे समय संपर्क रहा, वो स्थानों को तीर्थ स्थान बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी ही बनने वाले हैं, परंतु कैमूर वालों, अरे सुनो सुनो यार, तनिक बात कर रहे हैं, काहे को जल्दबाजी कर रहे हो? कैमूर वालों, मुझे बताओ कि घमंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? मैं एक एक नाम पूछता हूं, आप हा या ना कहो। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? ये लालू जी बन सकते हैं क्या? और अंत में एक नाम बोलता हूं, हंसना मत, हंसना मत, हाँ जरा भी मत हंसना, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई कोई नहीं बन सकता, तो ये काहे को इतने मचल रहे हैं? जब पत्रकारों ने इनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा
बारी बारी एक एक साल हम लोग बन लेंगे। कैमूर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की जो फॉर्मूला है वो पाकिस्तान को जड़बातोड़ जवाब दे सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकती है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का भला कौन कर सकता है? नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? ये मोदी 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 मोदी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जहां गया ये मोदी मोदी के नारे लगते हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी के जो नारे, ये मोदी मोदी के जो नारे हैं, ये महान भारत बनाने का नारा है। मोदी मोदी के नारे हमारा बिहार को विकसित बिहार बनाने का नारा है। भाइयों बहनों, मैं आज लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, 10 साल तक आपकी सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, बिहार को क्या दिया? 10 साल में यूपीए सरकार ने बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया। कैमूर वालों, 2,80,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 14,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। इतना बड़ा विकास का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे सिवान के लिए, हमारे कैमूर के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। घर घर में नल से जल पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया और 60 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कैमूर वालों, अभी अभी जो कार्ड बांटे ना आयुष्मान भारत के, वो कार्ड लेकर किसी भी अस्पताल में जाना पड़े तो 5 लाख रुपयों तक एक भी रुपया इलाज का खर्च नहीं करना है, वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र में हमने युवा प्रत्याशी शिवेश जी को लड़ाया है। कैमूर वालों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? मगर मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, कैसे बनाओगे भाई? मैं रास्ता बताऊं आपको? बताऊं? शिवेश राम के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाते ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शिवेश राम को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और वोट क्यों देना है भाई, मुझे बताओ? कैमूर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा,
मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो भाई, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये लालू प्रसाद जी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि का मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। कैमूर वाले मुझे बताए, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ रहना है या राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ रहना है? यही संकल्प देश भर में हर क्षेत्र में जनता कहती है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और कैमूर वालों, इसीलिए मैं आपको अपील करने आया हूं, हमारे भाई सिवेश को बड़े बहुमत के साथ जिताकर संसद में भेजिए, कैमूर और एक क्षेत्र का पूरा विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ, सिवेश राम के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे।